दुनिया में इस्लाम के नाम को बतौर दश्त ऐसे पावर ऑफ टेरर इस्तेमाल करते हैं। इस्लाम इज अ पावर ऑफ पीस। इस्लाम रिजेक्ट्स ऑल काइंड्स ऑफ रेडिकलिज्म, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, तमाम किस्म की ये चीजों को इस्लाम रिजेक्ट करता है। और इस्लाम पूरी दुनिया में इल्म का नंबरदार है, अमन का नंबरदार है, मसावात का नंबरदार है। मैं लास्ट वर्ड्स कहता हूं, अल्लाह के रसूल द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह सुभानहू व तआला व्हेन कंकर्ड मक्का मुकर्रमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई रिवेंज नहीं लिया। पूरी वर्ल्ड के अंदर जो पीसफुल वर्ल्ड का, हिस्टोरिकल वर्ल्ड का, पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में पीसफुल रेवोल्यूशन था, वो लीड करने वाले मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं कहता हूं अमेरिका के अंदर मार्टिन लूथर किंग, उसने एक स्ट्रगल की, उसने जिद्दोजहद की डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, के दो उसने जो है जिद्दोजहद की इक्वालिटी के लिए, ह्यूमन इक्वालिटी के लिए, ह्यूमन फ्रीडम के लिए, ह्यूमन डिग्निटी के लिए। लेकिन दुनिया तस्लीम करे, यूनाइटेड नेशन इस पर बिल पास करे कि अल्लाह के आखिरी रसूल की तौहीद के बारे में कैरिकेचर्स बनते हैं, कार्टून्स बनते हैं। दुनिया तस्लीम करे कि 1500 साल कबल जब दुनिया में ह्यूमन राइट्स का तसव्वुर नहीं था, उस वक्त मक्का फतह होता है, एक हबशे के एक नेग्रो स्लेव को, स्याह काले गुलाम को अल्लाह के रसूल काबतुल्लाह की छत पर चढ़ा देते हैं। और रसूलुल्लाह इंसानी मसावात का ऐसा दर्श देते हैं कि रंग, नस्ल, इलाका, कौमियत के सारे बुतों को फाश फाश करके मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया, ला फदला British fiction writer H.G. Wells had written in his book The Concise History of Universe, he said the sermons of human equality, equity and freedom were set before, but it must be admitted that it was only Muhammad in human history who for the first time established a society based upon these principles. Insani adal aur masawat ke दस दुनिया ने बड़े सने, लेकिन उस पर मुआशरा सिर्फ मोहम्मद अरबी ने कायम फरमाया।